प्रेज़ द लॉर्ड। पहला वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं, तैयार हैं आप लोग? उसके बाद हमारी बहन पढ़ेंगी। मती 26 20 से लेकर 25 के बीच में। हालेलुया। जब संध्या हुई तो वो बारह चेलों के साथ भोजन करने बैठा। जब वे भोजन कर रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वे अत्यंत व्यथित होकर एक एक करके उससे पूछने लगे कि प्रभु मैं तो नहीं हूं। उसने उससे कहा कि वो जिसने मेरे साथ कटोरे में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य के पुत्र को तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाना ही है, परंतु हाय उस पर जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा। उस मनुष्य के लिए अच्छा होता यदि वो जन्म लेते ही मर जाता। तब उसके पकड़वाने वाले अर्थात यहूदा ने कहा, रबी क्या वो मैं हूं? उसने कहा, तूने स्वयं ही कह दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या देखते हैं हम इस वचन में? ध्यान दीजिए मेरी बहन, पाप एक भयंकर जानवर है। पाप एक ऐसा जानवर है जिसको आप अपने घर में आने से रोक सकते हैं। पाप एक ऐसी भयंकर चीज है जो आपको कठोर कर देती है। पाप आपकी बुद्धि को बंद कर देता ताकि आप समझ ना सकें उसकी दया क्या है, उसका प्रेम क्या है। अगर आपके अंदर पाप है आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए प्रभु ने आपके पाप को पहले निकाला, उसके बाद आपको चुना। आपको चुनने के बाद पाप नहीं निकाला है। ध्यान दीजिए, अगर आपको नहीं पता तो आप जानिए कि पहले आपको पाप से मुक्त किया है उसने, तब आपको चुना है, तब आपने समझा, तब आपने जाना कि ये कौन है यीशु, तब आपने समझा कि अरे उसकी रहनुमाई क्या है, वो दयालु पिता कितना महान है। तब आप पाप को समझने लगे कि मैं क्या था और आज मैं क्या हो गया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर ने आपको शुद्ध किया। यहां पर क्या हो रहा है? यहूदा इस्करियोती जिसको परमेश्वर ने चुना था, जो यीशु मसीह का चेला था, 12 में से एक था, उसको उपाधि दी गई थी, परमेश्वर ने चुना था, अपना उसका नाम उसके हथेली पर, अपनी हथेली पर लिखा था, उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन वो पाप में पड़ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, यहूदा इस्करियोती किसमें पड़ गया? पाप में पड़ गया। और ये यीशु मसीह जानता था कि मेरा बच्चा जिसको मैंने चुना है, जो पवित्र था, जिसको मैंने शुद्ध किया है, वो शैतान के चंगुल में आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह चाहता है कि हम शैतान के चंगुल से दूर रहें। इसलिए वो धरती पर आया, इसलिए स्वर्ग से जमीन पर आया, हमें बताने के लिए कि पाप क्या है। हम नहीं जानते थे कि शैतान कौन है, पहले हम नहीं जानते थे। हमारी सोच क्या थी? अगर हम बीमार पड़ते थे तो पता था पिता परमेश्वर ने हमें बीमार कर दिया। हालेलुया, ये सोचते थे ना कि पिता की जैसी इच्छा, वो जब चाहेगा हमको ठीक करेगा, वो जब चाहेगा हमें नौकरी देगा, वो जब चाहेगा तो हमें आशीष देगा। नहीं मेरे भाई, यीशु के द्वारा हमने जाना कि पिता नहीं चाहता कि हम बीमार पड़े, पिता नहीं चाहता कि हमारे जीवन में कोई भी कष्ट आए, पिता चाहता है कि हम उसका सुख भोगें। वो आशीष जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया हुआ है, उस आशीष को हम अपने जीवन में निरंतर महसूस करें। तब जाना हमने कि पाप क्या है, शैतान कौन है। यहां पर शैतान यहूदा इस्करियोती के अंदर आ चुका था। उसने 30 सिक्के ले लिए थे, 30 चांदी के सिक्के यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए। और उसके बाद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जान गया हूं कि तुम में से कोई है जो मुझे पकड़वाएगा। हालेलुया। अगर आप ध्यान दीजिए, यहां पर क्या पता लग रहा है हमको? दो बातें पता लग रही हैं। एक कि यहूदा इस्करियोती ने पाप किया है और वो वहां पर है। दूसरा, प्रभु का मन, यीशु का मन, यीशु मसीह क्यों कह रहा है, यीशु मसीह क्यों कह रहा है कि यहां पर कोई है जो मुझे पकड़वाएगा। हालेलुया। वो उसको बता रहा है कि यहूदा तू अभी भी पश्चाताप कर, मैं जानता हूं कि तू गलत काम कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, पश्चाताप कर मेरे बच्चे ताकि मैं तुझे बचा सकूं। हालेलुया। वो क्या कहता है? जिसने अपना हाथ मेरे साथ कटोरे में डाला हुआ है वो है जो मुझे पकड़वा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे बच्चे समझ, तू कोई नहीं जानता है, तू पश्चाताप कर, मैं तुझे बचाऊंगा। वो यहूदा इस्करियोती को बता रहा है कि मुझे तो मरना ही है,
मैं तो जाने वाला हूं। वो यहूदा इस्करियोती को बता रहा है यीशु कि मैं यहां कोई राजा बनने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां पर आया हूं तुमको अनंत काल का जीवन देने के लिए, मैं यहां पर आया हूं, यस, मैं यहां पर आया हूं तुम्हें आशीष देने के लिए, तुम्हें पापों शापों से मुक्त करने के लिए, तुम्हें उस पिता से मिलवाने के लिए और अपने साथ स्वर्ग ले जाने के लिए मैं यहां पर आया हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ए यहूदा तू क्या कर रहा है, मुझे तो मरना ही है, लेकिन हाय उस पर जिसके द्वारा मैं पकड़वाया जाऊं। यानी कि यहूदा मैं जान गया हूं कि तूने 30 सिक्के लिए हैं, यहूदा मैं जान गया हूं कि तेरे अंदर पाप आ गया है, लेकिन मैंने तुझे चुना है, तू मेरा बच्चा है। यहूदा अभी भी पश्चाताप कर, अभी भी पश्चाताप कर। कई बार होता है बहन, हम चुने हुए हैं, हमको जब परमेश्वर चुन लेता है फिर भी हम संसार की तरफ देखते हैं, हमको परमेश्वर चुन लेता है फिर भी पाप हम में आता है, फिर भी लालच हम में आती है, फिर भी व्यभिचार हम में आता है। लेकिन प्रभु चाहता है पश्चाताप कर। अगर हमने कोई गलती की है, अगर हमने कोई ऐसा गुनाह किया है, मेरे भाई मेरी बहन उसी समय घुटने पे आइए, उससे कहिए पिता मुझे माफ कर, मैं बहक गया था। परमेश्वर आपको माफ करेगा, वो चाहता है कि मेरा बच्चा माफी मांगे, मुझसे पश्चाताप करे, मैं उसे माफ करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो कोई भी आत्मा को खोना नहीं चाहता है, हर आत्मा को बचाना चाहता है। इसीलिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया और यीशु मसीह ने बलिदान किया, और यही बात वो यहूदा से कह रहा है, पश्चाताप कर। लेकिन यहूदा के अंदर पाप था, उस पाप ने यहूदा को कठोर कर दिया, उसने पश्चाताप नहीं किया, उसे नहीं का अंगीकार नहीं किया कि हां यीशु मैंने गलत किया है, वो वहां से चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हेलो, हालेलुया। हम नहीं जानते हैं उसका, जिस दिन हमने जान लिया कि यीशु मसीह का सुख, यीशु मसीह का हमारे जीवन में होना, यीशु मसीह के साथ चलना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, जिस दिन हम ये जान लेंगे मेरे भाई कि यीशु मसीह अगर हमारे जीवन में नहीं है तो कुछ भी नहीं है, न दौलत, न मान और सम्मान, कुछ भी हमारे जीवन में अहमियत नहीं रखता है अगर यीशु ना हो। हालेलुया। लेकिन पाप हमारी बुद्धि बंद कर देता है, पाप हमारी बुद्धि बंद कर देता है, पाप हमें नष्ट करना चाहता है, सोचने पर मजबूर कर देता है, सोचने पर हमें बंद कर देता है हमारी बुद्धि, कि हम सोचें कि ये पाप हमारे हमसे क्या छीनने वाला है। आप सोचिए, यहूदा इस्करियोती सोच नहीं पा रहा था, ये चांदी के 30 सिक्के मुझसे वो चीज छीन रहे हैं जो मुझे अनंत काल की है, जो मुझे जीवन अनंत काल का मिला है, उस जीवन को मुझसे कौन छीन रहा है, ये चांदी के 30 सिक्के। ये जीवन, ये संसार, ये मेरी नौकरी जिसके लिए मैं पाप कर रहा हूं, ये मेरा धंधा, ये मुझसे छीन रहा है क्या, वो अनमोल चीज, वो अनमोल खजाना, वो आशीष जो परमेश्वर ने अपने चुने हुए को दी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन पाप हमें सोचने पर सोचने के लिए बंद कर देता है। मेरी बहन, आपको नहीं पता कि आप कैसे यहां पर आए हैं। दूसरा कुरिन्थियन 5:18-19, जब आप पाप में थे, जब आप संसार में थे, जब आप शैतान के चंगुल में थे, परमेश्वर ने अपने आप आपसे मिलाप किया है। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप, दूसरा कुरिन्थियन 5:18-19, जल्दी पढ़िए। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा सौंप दी है। आमीन। ये सारी बातें जो हमारे जीवन में घट रही हैं, ये परमेश्वर की ओर से हैं। 19वां पढ़िए, 19वां। अर्थात
अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, हम पर नहीं दोष लगाया कि तुमने क्या क्या अपराध किए थे। भजन संहिता 32:1-2, हमने कौन कौन से अपराध किए थे, हमने क्या क्या पाप किया है, वो नहीं कह रहा है कि तू पापी है, वो कहता तू मेरा पुत्र है। प्रेज द लॉर्ड, वो आपको पापी नहीं कह रहा है, वो आपका पुत्र कह रहा है अपना। आप जानिए कि पिता आपसे कितना प्रेम करता है, वो अपना पुत्र कहता है, मेरे पुत्र यदि तू मेरे वचन सुने, कान लगा, तो तू आशीष पाएगा। इसलिए दाऊद कहता है कि जिसके पाप क्षमा हुए, पढ़िए बेटा, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो। हालेलुया, हमारे पापों को परमेश्वर ने क्षमा ही नहीं किया है, ढाप दिया है। प्रेज द लॉर्ड, ढाप दिया है ताकि वो देखे ही ना उस तरफ। प्रेज द लॉर्ड, आप कभी कभी अपने पापों को देखते हैं जब कल के बारे में सोचते हैं, अरे मैं ये क्या करता था, अरे मैं ऐसा था, अरे मैं ऐसी थी, मैंने ये किया था, आपको याद आते हैं पाप। लेकिन परमेश्वर ने आपके पापों को ढाप दिया है। प्रेज द लॉर्ड, वो नहीं देखता है, इसलिए वो कहता है क्या ही धन्य है वो इंसान। बोलिए मैं धन्य हूं, विश्वास के संग बोलिए मैं धन्य हूं, मैं धन्य हूं, क्योंकि मेरे पाप क्षमा हुए, मेरे पाप क्षमा हुए, मेरे अपराधों को परमेश्वर ने ढांप दिया है, मेरे अपराधों को परमेश्वर ने ढांप दिया है। मेरे भाई मेरी बहन, यही विचार, यही सोच, यही वचन अपने जीवन में हमेशा रखिए, हमेशा रखिए कि आप पवित्र हैं, आपके पाप क्षमा हो चुके हैं। हालेलुया, आप पवित्र आत्मा की शक्ति है, आप में परमेश्वर का सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड, आप नहीं जानते आप कौन है, महसूस करिए मैं पवित्र हूं। जब तक आप महसूस नहीं करेंगे, शैतान आपको बहकाता रहेगा, शैतान आपको बहकाता रहेगा। हालेलुया, मैंने कई बार आपको एक उदाहरण बताया, फिर बताता हूं। एक शादी अगर होती है और औरत अपने घर में जाकर अगर महसूस नहीं करेगी कि ये घर मेरा है, क्या वो औरत अपने पति से पूछेगी चाय बनाऊं, फिर पूछेगी खाना बनाऊं, फिर पूछेगी पानी लाऊं, तो पति कहेगा ये पागल औरत को मैं लेकर आ गया, निकालो इसको यहां से यार। प्रेज़ द लॉर्ड, जिस घर में आप गई हैं उस पर अधिकार आपको रखना है, आपको प्लान करना है मुझे क्या करना है, मेरे पति को क्या पसंद है, मुझे क्या करना है, ये घर मेरा है, इसको मैंने अपने हिसाब से चलाना है। प्रेज द लॉर्ड, तब वहां पर आपकी आपकी इज्जत मान और सम्मान होगा। और यही चाहता है घर का मालिक कि आप उस अधिकार को ले, यही चाहता है पिता परमेश्वर कि मेरा बच्चा उस अधिकार को समझे। आपका अधिकार है, आपका अधिकार है पाप को निकाल के बाहर फेंकें। एक गंदा कुत्ता, एक गंदा जानवर अगर आपके घर में आ रहा है, कीचड़ से लदा हुआ, कीचड़ है, बदबू आ रही है, प्रेज द लॉर्ड, आपके घर में आने की कोशिश कर रहा है, आप उसे घर में आने देंगे, निकाल, ए कुत्ते जा, ए जानवर हट, निकाल देंगे। प्रेज द लॉर्ड, इसी तरीके से आपको अधिकार है कि आपके अंदर कोई भी पाप आए उसको निकालिए, उसको निकालिए, ए पाप निकल, ए गलत विचार निकल, यीशु मसीह के नाम से। ये जो हम लोग रोज, मैं आपको शपथ पढ़वाता हूं, इस शपथ का उपयोग करिए। दूसरा कुरिन्थियन 10:5 देखिए शपथ क्या कहती है, उस शपथ का उपयोग करिए। जो गलत विचार आ रहे हैं, जो शैतान की तरफ से विचार आ रहे हैं, उसका उसको हमें मसीह का गुलाम बना देना है। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बातों का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, वो बातें, वो कल्पनाएं जो हमारे जहन में आती हैं, कल्पनाएं कहां आती हैं, आपके जहन में, वो अगर कल्पनाएं ऊंची हैं, वो कल्पनाएं अगर परमेश्वर के विरुद्ध हैं,
अगेंस्ट हैं, तो हमें क्या करना है? सो हम उन कल्पनाओं को, जो हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में है, उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। ये हमारे पास अधिकार है, हमें अधिकार है। कोई गलत भावना आती है, ऐ भावना, ऐ कल्पना, ऐ विचार, निकालिए उसको। उसी समय आप बोलिए, ऐ भावना, ऐ गलत भावना, मैं तुझे यीशु मसीह का गुलाम बनाती हूं। उसी समय वो गुलाम बन जाएगी। ये आपके पास अधिकार है। हम किसी भी गलत भावना का विचार, देखिए 139 भजन संहिता 139 का दूसरा क्या कहता है, उसकी प्रार्थना क्या है, सुनिए भजन संहिता 139 का दो। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है, वो जानता है। हेलो, ध्यान से देखिए मेरी तरफ, ध्यान से देखिए, वचन क्या है कि आपके विचार जो दूर से आपके अंदर आ रहे हैं, आपको नहीं पता, आप नहीं जानते हैं कि 5 मिनट के बाद आप क्या सोचने वाले हैं, लेकिन प्रभु जानता है। हेलो, प्रभु जानता है कि 5 मिनट के बाद मेरी बच्ची क्या सोचने वाली है, शैतान इसके जीवन में क्या करने वाला है। हालेलुया, इसलिए वो क्या प्रार्थना कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है कि हे पिता, हे परमेश्वर, तू जानता है कि कौन सा विचार मेरे मन में आने वाला है, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, उस विचार का खंडन करता हूं और निकालता हूं उस विचार को जो मुझे गलत सलाह देता है, जो मुझे गलत दिशा में लेके जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को, प्रभु के राज्य में, इस धरती पर हमें कैसे जीना है, इस बाइबल में लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कोई भी विचार का गलत आता है, उसको निकालिए और यीशु मसीह का गुलाम बना दीजिए। मैं ऐसे करता हूं, मैं इस धरती पर हूं, कई गलत विचार आते हैं, मुझे भी आते हैं, आपको भी आते होंगे, निकालिए। कभी आप फेसबुक देख रहे हैं, देखते देखते मान लीजिए कोई गलत वीडियो आ गया जो आपको नहीं देखना, हटाइए उसी तरह। प्रार्थना करिए, यीशु मसीह के नाम से गुलाम बना देता हूं, क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी चिन्ह, कोई भी गलत विचार आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। शैतान यही चाहता है, शैतान यही चाहता है मेरी बहन, कि आपके जहन में वो विचार बस जाए जो आपको प्रभु से दूर कर दे। शैतान की यही चाल है। परमेश्वर आपकी आत्मा को बचाना चाहता है और शैतान आपकी आत्मा को नष्ट करना चाहता है। इसलिए वो कहता है जो पाप है, पाप एक ऐसी गंदी चीज है, एक ऐसा गंदा जानवर है जिसे आप अपने घर में आने से रोक सकते हैं, आप रोक सकते हैं और कोई रोक नहीं सकता। आप प्रभु से कहेंगे, प्रभु ये गंदा जानवर आ रहा, रोकिए, नहीं, प्रभु ने आपको सामर्थ दिया हुआ है। आप देखिए, आप परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह ने शैतान को क्रूस पर हरा दिया है, हाँ के ना, हरा दिया है, पैरों के नीचे कुचल दिया है। प्रेज द लॉर्ड, मर के जिंदा हो गया यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड, यानी कि यीशु मसीह के नाम में शैतान का अस्तित्व खत्म हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। अब हम अपने जीवन में जब आते हैं और हम वचनों में नहीं है, हम परमेश्वर को नहीं समझ रहे हैं, हम वचन को नहीं समझ रहे हैं और शैतान हमारे जीवन में काम करता है, हम क्या कहते हैं, परमेश्वर शैतान से हमें बचा। प्रभु बचाएगा आपको? नहीं, कैसे बचाएगा? आपकी प्रार्थना गलत है। शैतान से लड़ने का अधिकार परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह के द्वारा दे दिया है, वो अधिकार आपके पास है। आपको बोलना है, शैतान हट यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से, निकालिए उसको, आपके पास वो अधिकार है। कैसे काम करेगा वो? और अगर आप उस अधिकार का उपयोग नहीं करते हैं तो आप मसीह कैसे हैं? मसीह कैसे हैं आप? परमेश्वर 2000 साल पहले आपको आशीष दे चुका है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों 1:3 निकालिए, मैं दोबारा समझाता हूं आपको। इफिसियों 1:3,
हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि हमारे परमेश्वर और यीशु मसीह का धन्यवाद हो। क्या धन्यवाद हो? उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी हैं। ये लिखा है उसमें कि वो देगा। क्या लिखा है? दे दी हैं आपको, वो आपके पास है, वो आपको यूज करना है, वो आपके पास है। मेरे पास आत्मिक सामर्थ है, अंधकार की शक्तियों को ध्वस्त करने का अधिकार मुझे दे दिया है। मेरे जीवन में शैतान काम नहीं कर सकता है। अगर आप शैतान का बहाना करते हैं तो आप मसीह नहीं है। अपनी शक्तियों को पहचानिए, क्या करना है क्या नहीं करना प्रभु आपको बता चुका है, इसलिए बाइबल है। सारी आत्मिक आशीषें, कुछ नहीं, एक दो नहीं, सारी सब प्रकार की आशीष दे दी है उसने। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान का हमारे जीवन में कोई, लेकिन शैतान क्यों फायदा उठाता है? क्योंकि हमारा ज्ञान कम है, हमारा ज्ञान कम है। हम दुनियावी किताबें ज्यादा पढ़ते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते। बाइबल को समझने में हम ढीले हैं, संडे में आने में ढीले हैं, हमें बारिश से डर लगता है, तेज हवाओं से डर लगता है। तो शैतान तो काम करेगा ही ना आपके जीवन में। आप बारिश से दबके घर में खड़े हुए हैं कि बारिश हो रही है यार, कैसे प्रभु से मिलने जाएं। कल को बारिश हुई और प्रभु बादलों पर सवार होकर आ गया कि नहीं प्रभु बारिश बंद होने दे, प्लीज बारिश बंद होने दे, उसके बाद मैं आऊंगा, ऐसा बोलेंगे? प्रेज द लॉर्ड। आप बारिश रुकने का इंतजार कर रहे हैं? कदम बढ़ाइए और बारिश को बोलिए, बारिश रुक रुक। यहोशू ने सूरज को रोक दिया था, सूरज रुक, जब तक मेरी प्रजा निकल ना जाए रुक, वहीं पर रुक, रोशनी दे। चांद को रोक दिया था। जो यहोशू का पिता है वही मेरा और आपका पिता है। हालेलुया। जो यहोशू काम कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? जो यहोशू के पास समर्पण था वो समर्पण मेरा होना चाहिए। मेरे जीवन में पहला स्थान प्रभु का है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब आप देखिए आपके जीवन में कैसा काम होता है, कैसा काम होता है आपके जीवन में। यहूदा इस्करियोती फंस गया था, प्रभु बोल रहा है, यीशु बोल रहा है कि यहूदा मैं जानता हूं कि तूने प्राचीनों से याचकों से 30 सिक्के लिए हैं, अभी भी पश्चाताप कर। लेकिन नहीं किया उसने। हालेलुया। बाद में क्या किया? पश्चाताप किया। पश्चाताप नहीं किया, आत्महत्या की। दाऊद जो परमेश्वर के बहुत करीब था, बहुत करीब था, अपने दिल के करीब समझता था परमेश्वर उसे, दाऊद को। हालेलुया। उसने अपने बहुत सी जीवन अच्छे बिताया। दूसरा सैमुएल 15:19 निकालिए। हालेलुया। 15:30 प्रेज द लॉर्ड। दाऊद परमेश्वर की वाणी को सुनता था, परमेश्वर के दिल को जानता था, वो दिल के करीब था, और दाऊद को परमेश्वर बहुत प्यार करता था। लेकिन यहां पर देखिए, मैं आपको एक वचन से अवगत कराना चाहता हूं। जब वो जैतून पर्वत पर जा रहा था, 15:30 हालेलुया, ध्यान से सुनिए। तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढाके नंगे पांव। तब दाऊद जलपाइयों के पहाड़ के चढ़ाई पर सिर ढापे नंगे पैर रोता हुआ चढ़ने लगा। दाऊद जो कि राजा था,
प्रेज द लॉर्ड, वो नंगे पैर जा रहा है, उस जैतून के पर्वत पर रोता हुआ जा रहा है। क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है? क्योंकि दाऊद को याद आता है वो श्राप, दाऊद को याद आता है वो पाप जो उससे हुआ था। आपको पता है आपका पाप आपको श्राप में जकड़ देता है। आपका किया हुआ, आपसे किया हुआ पाप आपको श्राप में जकड़ देता है। हालेलुया। दूसरा शमूएल 12:8-11 के बीच में देखिए, देखिए दाऊद नंगे पैर सिर ढके हुए उस पर्वत पर जा रहा है, जैतून पर्वत पर, और रो रहा है, बिलख रहा है, रो रहा है। क्या कर रहा है? पश्चाताप कर रहा है कि हे प्रभु, आज का दिन जो मैंने देखा, तूने सच कहा था, क्योंकि मैंने पाप किया था, मैंने पाप किया था। आज उसका बेटा अबशालोम उसके पीछे था, उसका बेटा दाऊद राजा का बेटा अबशालोम उसका विद्रोही हो गया था, शत्रु हो गया था, घेर लिया था उसने राजमहल, घेर लिया था पूरा इलाका, और दाऊद को वहां से भागना पड़ा। ये सब क्यों हुआ? सुनिए, ध्यान सुनिए, 12:8-11। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, तेरे स्वामी की। अब परमेश्वर बता रहा है, ए दाऊद सुन, मैंने तेरे लिए क्या क्या किया है। सुन, तूने जो पाप किया है वो कैसे तुझ पर बरसेगा, तूने जो पाप किया है वो कैसे तुझे श्राप में बदल देगा, तेरा जीवन बंधनों में बंध जाएगा। सुन, फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैं इतने इसराइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि यज्ञ थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत देने वाला था। वो कहता है, मेरे बच्चे मैंने तुझे चुना है। वो आज हमसे कहता है कि मैंने तुझे सब कुछ दिया है, ये जीवन दिया है, अनंत काल का जीवन दिया है, आत्मा दी है, शुद्धिकरण दिया है, मैंने तुझे अपनी आत्मा दे दी है, लेकिन हम फिर भी पाप करते हैं। प्रभु कहता है, अगर तुझे कुछ कमी है तो मुझे बता, मांग, लेकिन पाप मत कर। अगर तू पाप करेगा तो मैं तुझे नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि पाप तुझे कठोर कर देगा और तू मेरी बात नहीं समझ पाएगा। हाँ जी, आगे नवा। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है? प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा कहता है कि तूने तूने मेरी बात को, मेरी आज्ञा को तुच्छ जाना, और तूने वो काम किया। क्या काम किया इसने? हित्ती उरिया सेना को भेज दिया, एक मिनट, और वहां पर एक बैतसदा नाम की औरत थी, वहां पर वो नहा रही थी, उसको बुलाया, उसके संग उसको भ्रष्ट किया, और सिर्फ इतना ही नहीं किया, जब उसे पता लगा कि वो औरत मां बनने वाली है, तो उसने उसके पति को हित्ती उरिया को मरवा दिया। हालेलुया। और उसे, उस बैतसदा को अपनी बीवी बना लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब परमेश्वर क्या कहता है? क्या कहता है? कि तूने जो पाप किया है उसका सिला तुझे मिलेगा। आगे पढ़िए। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी। हालेलुया। देखा, इसलिए तलवार अब तेरे घर से कभी दूर ना होगी। किसने तलवार उठाई उसके अपोजिट? उसके पुत्र ने, अबशालोम, उसका बेटा। क्यों मेरी बहन, अगर आपके जीवन में कहीं कोई गलतियां हैं, कहीं अभी भी श्राप है, उसका कारण आप ही हैं। अगर आपके जीवन में सुख नहीं आ पा रहा है, बंधन है, दुखी दुख है, कष्टी कष्ट है, तो उसके सिला आप हैं, क्योंकि आपने जो पाप किया था वो बंधन बनकर, श्राप बनकर आप पर आ गया है। यह हुआ दाऊद के साथ। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर नहीं होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया है। अब वो तलवार कौन लेके खड़ा हुआ है? अब शालोम। और दाऊद रो रहा है। क्यों रो रहा है? कि वो जान गया है कि जो परमेश्वर ने कहा था वो हो रहा है।
जो परमेश्वर ने कहा था वो हो रहा है। मेरा ही इकलौता बेटा जिसको मैंने प्यार किया था, जो मेरे दिल का टुकड़ा था, आज उसने मेरे विरोध में तलवार उठा ली है और वो मुझे मारना चाहता है और राजा बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि मैंने एक मासूम को अपनी हवस के लिए, अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अपने रास्ते से हटा दिया। कभी कभी हम करते हैं, हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए, अपने 2000 के लिए, 10,000 के लिए, 5,000 के लिए हम झूठ बोल देते हैं झूठ। हम किसी का हक मार लेते हैं, किसी को धोखा दे देते हैं थोड़े से लालच के लिए। आप नहीं जानते हैं कि वो लालच, वो पाप, आपका पाप आपके जीवन में शराब बनकर आएगा। और हो सकता है आज नहीं आए, जब आपका बच्चा पैदा होगा तब आएगा। Praise the Lord, क्योंकि उस पाप को आपने किया है तो श्राप आप पर ही पड़ेगा। इसलिए प्रभु कहता है मेरे वचन समझ, मेरे वचन जान। इसलिए वो कहता है झूठ बोलना पाप है, धोखा देना पाप है, व्यभिचार करना पाप है। इस पाप को अपने अंदर मत आने दे। चाहे तू भूखा रहे, चाहे तू रोटी ना खाए, चाहे तू अच्छे महल में ना रहे, एक अंधेरे कमरे में पड़ा रहे, वो चलेगा। लेकिन प्रभु, बाइबल क्या कहती है, वचन क्या कहता है, अगर तूने दुनिया को पालिया और आत्मा को खो दिया तो तूने क्या पाया। हेलो, अगर हमने सब कुछ पा लिया और हमारी आत्मा ही खो गई तो हमने क्या पाया? कुछ नहीं पाया। परमेश्वर ने हमारी आत्मा को जिंदा किया है, नया किया है। इसलिए वो कहता है नहीं, पाप मत कर। इसलिए दाऊद रो रहा है बिलख बिलख कर। उसे याद आ रहा है कि मैंने जो पाप किया था परमेश्वर का श्राप मुझ पर लगा है। हालेलुया। अगला, यहोवा यो कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरों को दूंगा। हालेलुया। किसी दूसरी की औरत पर उसने नजर डाली। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी अपनी बेटी को की इज्जत उसी के बंदे ने लूट ली। दाऊद की बेटी का बलात्कार उसी के राजमहल में हुआ। क्यों? क्योंकि वो जो पाप आपने किया था वो पाप आपको नहीं छोड़ेगा। अरे मेरे भाई, परमेश्वर ने हमें माफ कर दिया है, लेकिन अभी भी हम सोचते हैं हम प्रभु में आ गए, बपतिस्मा हो गया, अरे यीशु तो आया नहीं, थोड़ा सा पाप कर लेते। नहीं मेरी बहन, नहीं, अब नहीं। एक बार हम पवित्र हो गए हैं, मैंने बपतिस्मा ले लिया, हम यीशु मसीह में हैं, हमें पाप से दूर रहना है। कुछ भी हो जाए पाप हमारे अंदर ना आए। Praise the Lord, क्योंकि वो पाप श्राप बन जाएगा, वो पाप श्राप बन जाएगा। अपने थोड़े से सुख के लिए हम अपने उस जीवन को नहीं खो सकते जो परमेश्वर ने हमें दिया है। Praise the Lord। इसलिए बाइबल कहती है इस समय का थोड़ा सा कष्ट हमें आने वाले सुख से लड़ने की हिम्मत देता है। कोई बात नहीं, लेकिन वो कब होता है मेरी बहन? जब आप इस जीवन की अहमियत को समझते हैं, जब आप इस जीवन की अहमियत को समझेंगे कि आपको क्या मिल गया है। आपको यीशु मिल गया है, आपको स्वर्ग मिल गया है, आपको वो सिंहासन मिल गया है, आपकी आत्मा को शुद्ध किया, नया मन दिया है, उसने अपनी आत्मा आप में उड़ेली है और वो आत्मा आपको अगुवाई करता है कि आप सही राह पे चलें। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा सहायक परमेश्वर ने दिया है कि अगर आप उस सहायक की बात सुनेंगे आप पाप की तरफ देखेंगे भी नहीं।
लेकिन हम उस सहायक की बात को निकाल देते हैं, हमारी जो अंदर का पाप है ना, उस सहायक की बात नहीं सुनता है। सहायक तो बोलता है, हालेलुया। शैतान जब हमारे अंदर आता है तो हमें हमें बोलता है, तोलो तुम कौन हो, तुम यीशु मसीह में हो 4 साल से 10 साल से, देखो तुम्हारा पड़ोसी उसने कार ले ली, उसे घर ले लिया, तुम्हारे पास क्या है? और तुम कहते हो हाँ यार क्या है हमारे पास, हम तो यीशु मसीह में है यार, क्या है, बस गुजारा चल रहा है, खाना चल रहा है, क्या है आपके पास? अगर आपको पता होगा आपके पास क्या है मेरे भाई, तो आप मुकेश अंबानी को बोलेंगे तेरे पास क्या है। Yes. तेरे पास क्या है? मैं स्वर्ग का अधिकारी हूं, मुझे विश्वास है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। तू जाएगा? तुझे विश्वास है? मैं विश्वास करता हूं कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। Praise the Lord. इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, जो धन परमेश्वर ने हमको दिया है हमें उसकी रखवाली करनी है, हमें उसकी रखवाली करनी है। Praise the Lord. कुछ भी नहीं है उसके सामने। यहूदा इस्करियोती नहीं समझ पाया, उसने आज तक, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, उसने कभी भी आज तक यीशु मसीह को रब्बी नहीं कहा, गुरु नहीं कहा, वो यीशु मसीह को टीचर समझता था, इसलिए वो पाप कर बैठा। कई लोग, हम भी जब कलीसिया में आते हैं ना, हम चमत्कार के लिए आते हैं, इसलिए हमारे जीवन में पाप आता है। हम यीशु मसीह को उद्धार करता समझ के नहीं आ रहे हैं, हम यीशु मसीह को मुक्तिदाता समझ के नहीं आ रहे हैं कलीसिया में, हम अपना पिता समझ के नहीं आ रहे हैं, हम लेने के लिए आ रहे हैं। चल जाएंगे यीशु मसीह, नौकरी लेंगे, धन लेंगे, हमें पैसा मिले, नौकरी मिले, चमत्कार हमारे जीवन में हो। अगर हम यही इच्छा से आएंगे तो पाप हमारे जीवन में आएगा। लेकिन जिस दिन हम कलीसिया आएंगे और समर्पित मन से, हम किससे मिलने जा रहे हैं? अपने पिता से। हालेलुया। वो जो कोढ़ी था, क्या कहा था उसने, जब वो यीशु मसीह का उपदेश सुनकर मत्ती 8 में जब उस पर्वत से निकलता है, उसके पास हिम्मत आई और वो यीशु मसीह करीब आया, और क्या कहता है, यीशु मसीह अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर दे। हालेलुया। जिस दिन हम कलीसिया में आएंगे और हम कहेंगे पिता तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर, तू चाहे तो मुझे नौकरी दे, क्योंकि तूने जो दिया है मुझे वो अद्भुत है, तूने जो दिया है मुझे। जिस दिन उस खजाने की कीमत आप जान लेंगे कि आपके पास है क्या, सिर्फ बाइबल है जो बताती है मौत के बाद जीवन है, और कोई भी है, दुनिया का कोई भी किताब, कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है जो आपको बताए, सिर्फ बाइबल बताती है कि मौत के बाद जीवन है। इस धरती के बाद हमें कहाँ जाना है? पिता के पास जाना है, हमारा असली पिता। ये सारे रिश्ते झूठे हैं, ये सारे रिश्ते जो जमीन के हैं सब झूठे हैं, और इन रिश्तों से मिलवाने वाला कौन है? वो पिता है। हमें यहां पर उसने मां दी उस पिता के द्वारा, पिता दिया उस पिता के द्वारा, तो हम कहां जाएंगे? अपने पिता के पास। हालेलुया। Praise the Lord. इसलिए इस कीमत को समझिए, इस जीवन को समझिए, महसूस करिए, तब आप समझेंगे कि हाँ मेरे अंदर है। जिस दिन आप उस खजाने को लेके चलेंगे, जिस दिन आप सोमवार से शनिवार तक उस खजाने को लेकर अपने नौकरी जाएंगे, अपने धंधे पे जाएंगे, और आप महसूस करेंगे वो खजाना आपके अंदर है, आप पाप नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास है। आपके पास क्या है आपको रोज याद दिलाना है अपने आप को, उसको समझना कि मेरे पास क्या है, तब आप देखिए आपका जीवन, आपकी सोच, आपका विचार, आपका जीने का अंदाज बदल जाएगा, और पाप आपसे दूर भागेगा।
ये छोटे से पैसे, ये छोटी सी चीजें हमको प्रभु से दूर नहीं करेंगे। यहूदा इस्करियोती जिसके सामने परमेश्वर मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, इतने बड़े बड़े चमत्कार दिए, यीशु मसीह पानी पे चल के आ रहा है, उसके सामने दुष्ट आत्माएं बोल रही है कि तो परमेश्वर का पुत्र है, तब भी यहूदा इस्करियोती नहीं समझ रहा है, क्योंकि उसके अंदर पाप था। उसने यीशु मसीह को रब्बी नहीं कहा, गुरु नहीं कहा। प्रेज द लॉर्ड। और यहां यीशु मसीह क्या कहता है कि मेरे बच्चे समझ, तू पश्चाताप कर, क्योंकि जब तू पश्चाताप करेगा तो मैं तुझे बुलाऊंगा। 34:18 हम निकालिए, भजन 34:18 आखिरी वचन लेते हैं, भजन संहिता 34:18 पढ़ी चलिए। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। दोबारा पढ़िए। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, निकट रहता है। आप समझे इसका मतलब? ध्यान से देखिए मेरी तरफ। यहोवा परमेश्वर टूटे मन वालों के निकट रहता है। जैसे ही आप टूटे मन से पश्चाताप करते हैं कि प्रभु मुझे माफ कर, अंगीकार करते हैं कि यस मैंने पाप किया है प्रभु, मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझे माफ कर, उसी पल प्रभु आपके जीवन में आता है। इतना निकट है वो आपके, टूटे मन वालों के निकट रहता है, पश्चाताप करने वालों के निकट रहता है वो। आप मांगिए वो आपको देगा, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा पाप करे, वो चाहता है पाप निकले। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसके लिए आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। कहीं भी मान लीजिए कोई गलती होती है, कोई बात नहीं, उसी समय घुटने टेकिए और कहिए प्रभु मुझे माफ कर। अपने पाप आपके मन को कठोर करना शुरू करे इससे पहले ही दीन बन जाइए। उसके सामने पैर पकड़ लीजिए, प्रभु दया कर, मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर। लेकिन यह मत करिए कि रोज वही काम करिए, रोज माफी मांगिए, ऐसा मत करिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार आपने माफी मांगी, फिर हमें दूसरा वो पाप नहीं करना है। हेलो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पाप को अपने अंदर रहने मत दीजिए। ये प्रभु का घर है, ये पवित्र घर है, ये मंदिर है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे मंदिर हो, तुम मेरे मंदिर हो और मेरी आत्मा तुम में रहती है। ये बताया आपको उसने कि तुम मेरे मंदिर हो, मेरी आत्मा तुम में रहती है। सोचो कि तुम मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, वो बता रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हेलो। एक पिता अगर अपनी बेटी को किसी बेटे को देता है, किसी दूसरे आदमी को देता है जो उसका पति होने वाला, क्या कहेगा? तुम मेरे दामाद हो, हालेलुया, और ये मेरी बेटी है, प्लीज ध्यान रखना, हालेलुया। ये किसकी अमानत है? मेरी अमानत है। यानी कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा हमें क्यों दी है? एक अमानत के रूप में। हमें उसका ख्याल करना है, हमें उसके अनुसार चलना है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है कि तू पिता की बुराई करेगा चलेगा, यीशु की बुराई करेगा तब भी माफी है, लेकिन पवित्र आत्मा की निंदा करेगा तो माफी नहीं है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उस कीमत को, उस प्रेम को, उस खजाने को जो आपके अंदर परमेश्वर ने दिया है, उसको समझिए। हालेलुया। आज का वचन हमने ग्रहण किया? हाँ के ना? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे।